हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं तीखी चटपटी मसालेदार और स्वादिष्ट पालक मूली की सब्ज़ी। यह सब्ज़ी स्पेशली सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है। यह खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्थ से भरी हुई रहती है। यह बहुत सेहतमंद सब्ज़ी है और देखने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पालक को अच्छे से धो के और काट लेंगे। मूली को भी हम धो के काट लेंगे। आप इसे अपने हिसाब से काट सकते हैं, गोल या स्क्वायर शेप में। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे या गरम करेंगे। इसमें हम जीरा और 1/4 चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालना बहुत ही ज़रूरी होता है पालक मूली की सब्ज़ी में। इसमें हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद इसमें हम हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे। हरी मिर्च फ्राई होने के बाद हम इसमें मूली डालेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। मूली को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पहले हम पालक डालने से पहले मूली को कम से कम 70% हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको हम नमक डाल के कुछ देर के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए मूली पकना स्टार्ट हो गई है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। इसे इसी तरह से अच्छे से हम फ्राई करते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। अब हम इसे इसमें पालक डालेंगे और पालक को भी अच्छे से पका लेंगे। अब हम चेक कर लेंगे हमारी मूली पकी है या नहीं। ये देखिए मूली अच्छे से कुक हो चुकी है, अच्छे से ये पक गई है। ये देखिए पूरी तरह से ये कुक हो चुकी है। अब हम इनमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम हल्दी मिलाएंगे और 2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च थोड़ी सी, अगर आप तेज खाते हैं तो थोड़ा तेज डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे हम 2 चम्मच और मसाले को पकाएंगे। ये देखिए मसाला तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, का मतलब मसाला हमारा पक चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको हम खुला ही पकने देंगे, हम इसमें ढक्कन नहीं लगाएंगे, ऐसे ही टमाटर को पका लेंगे। ये देखिए टमाटर भी पक चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक उस हिसाब से डालें क्योंकि हमने पहले भी मूली में थोड़ा सा नमक मिला चुके हैं, तो उस हिसाब से आप अपने स्वाद के अनुसार ही इसमें नमक डालें। सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्जी हमारी देखने में। ये इसने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्जी। इसे आप बिना टमाटर के भी बना सकते हैं, ये सिंपल भी अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको चटपटापन और तीखापन अच्छा लगता है तो आप टमाटर भी मिला सकते हैं और लाल मिर्च भी थोड़ी तेज़ करके डाल सकते हैं। ये देखिए ये
खाने के लिए तैयार हो गई है हमारी मूली पालक की सब्जी। रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।